फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दंतगत रोग। जो हमारे मुख रोगों की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमारा सेकंड आश्रय आता है दंतगत। इससे पहले हमने पढ़े थे ओष्ठगत रोग, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए। अब हम पढ़ते हैं दंतगत रोग। जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 8 दंतगत रोग बोले हैं, दालनक, भंजनक, श्यावदंत, कृमिदंत, दंत हर्ष, दंत शर्करा, कपालिका और हनुमोक्ष। ठीक है, अब इनके दोष भी मैं साथ साथ ही बता देती हूँ। जो दालनक है वो वातज होता है, भंजनक जो होता है वो कफ वातज होता है, श्यावदंत रक्त और पित्त की वजह से होता है, कृमिदंत वातज है, दंत हर्ष भी वातज है, और दंत शर्करा और कपालिका में उन्होंने कोई दोष नहीं बताया। बस ऐसे कहा है कि इससे शर्करा दांतों के ऊपर जम जाती है, उसके गुणों का नाश होता है, यहाँ पे दंत नाश होता है, ऐसे ही बताया है। फिर उन्होंने बोला हनुमोक्ष जो कि वातज है। अब पढ़ते हैं हम आचार्य वाग्भट के अनुसार जो उन्होंने बोले हैं 10। उन्होंने दालनक माना है, भंजनक नहीं माना। ठीक है, उन्होंने भंजनक को नहीं माना। दंत कृमिदंत को कृमिदंत बोला है, दंत हर्ष, दंत शर्करा, इन्होंने दंत शर्करा में कफ वातज जो है वो दोष बोले, इन्होंने दोष का वर्णन किया है। कपालिका, हनुमोक्ष इन्होंने दंतगत रोगों में नहीं माना, जबकि हनुमोक्ष को उन्होंने वर्णन किया, अपने निदान स्थान में उन्होंने वर्णन किया है, जो वातज वगैरह व्याधि है उनमें वर्णन किया है, बट दंतगत रोगों में हनुमोक्ष को नहीं रखा। कराल, दंतचाल और अधिदंत यानी दंत या फिर वर्धन बोला इनको। भंजनक ना बोल के उन्होंने क्या है, दंत भेद के नाम से जो है वो वर्णन किया है। तो ये हमारे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ये वाग्भट के अकॉर्डिंग। अब हम इनके पढ़ते हैं मॉडर्न कोरिलेशंस। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा कृमि दंत है इसको हम कर सकते हैं डेंटल कैरीज से कॉल। हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जैसे दांत में कीड़ा लग जाना जो बोलते हैं वो है डेंटल कैरीज, ये इसको बोलते हैं टूथ डिके। डेंटल कैरीज क्या है, डेंटल कैरीज इज लोकलाइज्ड, मतलब जो भी दांत है उसकी लोकलाइज्ड प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन होती है, मतलब जो भी दांत में मिनरल्स होते हैं वो डीमिनरलाइज होने लगते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। हार्ड टिश्यू ऑफ द क्राउन और रूट सर्फेस ऑफ द टीथ, टीथ के जो क्राउन और रूट सरफेस के जो भी मतलब जिन भी चीजों से वो मिलके बना है ना, जो भी मिनरल्स है उनकी डीमिनरलाइजेशन होने लगती है, उसको बोलते हैं हम डेंटल कैरीज। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा जो भी हम खाते हैं, मतलब ज्यादा स्टिकी फूड खा लिया, ज्यादा मीठा खाते हैं जो लोग, या फिर जो डेंटल प्लाग है जो अच्छे से सफाई नहीं करते, तो उनकी वजह से क्या होता है, वहां बैक्टीरिया इकट्ठे होने लगते हैं और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे जो हमारे टीथ हैं उनको खराब करने लगते हैं। That is dental caries या कृमिदंत इनको बोले। अब आता है दंत शर्करा, इसको मॉडर्न में कोरिलेट किया है डेंटल टार्टर से। टार्टर, डेंटल टार्टर क्या है, जो भी हमारे सलाइवा हो गया या हमारे फूड के मिनरल्स हो गए जो भी, वो इकट्ठे होने लगते हैं और मिलके वो क्या बनाते हैं, प्लाक, प्लाग बना लेते हैं। अब ये प्लाग जब हार्डन हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटल टार्टर। ठीक है, और इसके लिए हमें प्रॉपर ब्रशिंग वगैरह करनी चाहिए, हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, और डेंटल स्केलिंग वगैरह इसके लिए आते हैं। तो डेंटल टार्टर और डेंटल कैरीज ये हमारे दो मॉडर्न कोरिलेशन है कृमि दंत और दंत शर्करा के। ये थे हमारे दंतगत रोग। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने दंत मूलगत जो रोग है उनका वर्णन करेंगे।